हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रभा ला क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक इंडियन पैनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता से रिलेटेड है। इसमें हम इंडियन पैनल कोड का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉ की अगर हम बात करें तो लॉ मेकिंग पावर किसके पास होती है? लेजिस्लेचर की। तो जो लेजिस्लेटिव पावर है, अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो सेवन शेड्यूल में दी गई है। सेवन शेड्यूल में क्या है आपका कि तीन लिस्ट बताई गई हैं आपकी। फर्स्ट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द थर्ड कंकरेंट लिस्ट। यानी कि जो यूनियन लिस्ट है उस पर लॉ मेकिंग पावर यूनियन यानी कि केंद्र को है, जो स्टेट लिस्ट है उस पर लॉ मेकिंग पावर स्टेट को है यानी कि राज्य को है, और जो आपकी कंकरेंट लिस्ट है उस पर लॉ मेकिंग पावर आपकी यूनियन एंड स्टेट दोनों को है। देखिए, अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी क्या है? क्रिमिनल लॉ है, और जो क्रिमिनल लॉ है वो आपके जो कंकरेंट लिस्ट है उसका सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जो समवर्ती सूची है समवर्ती सूची के विषय होते हैं। जो लॉ होते हैं वो मेजर होते हैं और माइनर होते हैं। अगर मेजर लॉ की अगर हम बात करें तो क्रिमिनल लॉ में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एज अ क्रिमिनल लॉ कहे जाते हैं। एंटी नंबर वन जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें आईपीसी को एज ए सब्जेक्ट शो किया गया है। एंटी नंबर टू में सीआरपीसी को एज ए सब्जेक्ट शो किया गया है, और एंटी नंबर 12 में आपके जो एविडेंस है उसको एज अ सब्जेक्ट शो किया गया है। किसमें? कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में। अगर हम आईपीसी की बात करें यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 की, तो उसमें 23 चैप्टर्स हैं, 511 सेक्शंस हैं, जिसमें से जो 23 चैप्टर्स हैं वो जर्नल और स्पेसिफिक ऑफेंसेस में कैटेगराइज हैं। अगर हम चैप्टर 1 से चैप्टर 5A और चैप्टर 23 की बात करें तो वो जर्नल ऑफेंसेस से रिलेटेड है। अगर हम स्पेसिफिक ऑफेंसेस की बात करें तो चैप्टर 6 से 22 तक उसमें स्पेसिफिक ऑफेंसेस से रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं। और स्पेसिफिक प्रोविजन को भी अगर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो चैप्टर 6 से 15 तक अगेंस्ट स्टेट और पब्लिक है से रिलेटेड जो ऑफेंस है वो है, और अगर हम प्राइवेट या इंडिविजुअल ऑफेंसेस की बात करें तो चैप्टर 16 से 22 तक आपके जो हैं प्राइवेट या इंडिविजुअल से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो नॉर्मल सी बात है, हिस्ट्री को तीन काल में डिवाइड किया जाता है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशियंट इंडिया की अगर बात करें तो जो पैनल से रिलेटेड प्रोविजन थे वो डील करते थे हिंदू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस पे। मेडिवल इंडिया की अगर बात करें तो जो पनिशमेंट थे वो बेस्ड थे मुस्लिम लॉ और बाई मुस्लिम रूलर। एंड मॉडर्न इंडिया में जो चार्टर एक्ट 1833 था उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है, यानी कि अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी का जो शुरुआत हुई थी, जो उसकी नींव रखी गई थी, वो चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू ही रखी गई थी। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन पैनल कोड की अगर बात करें तो वाज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट लॉ कमीशन। पहले विधि आयोग के थ्रू फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जिसे चेयर कर रहे थे थॉमस प्रेमिंगटन मैकॉले। टू अचीव यूनिफॉर्म of law and judicial system in all parts of British India, किस लिए first law commission बनाया गया था? जिससे कि uniformity लाई जा सके जो laws हैं और जो judicial systems हैं all British India, सारे संपूर्ण जो British भारत था उसके लिए। Charter Act 1832 जो है introduce किया गया था, a single legislature for the whole British India, संपूर्ण भारत के लिए एक सिंगल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस करने के पर्पस। अगर हम बात करें 1834 के जो हमारा लॉ कमीशन था वो कंप्राइज था विद थॉमस बार्विंगटन मैकॉले, जो कि चेयर कर रहे थे इस लॉ कमीशन को। वहीं तीन मेंबर्स थे जो कि जिसमें से फर्स्ट थे सर जॉन एम सी फर्सन, जॉर्ज विलियम एडर्सन और एफ मिलेट। ड्यूरिंग 1834-36 की अगर हम बात करें तो जो लॉर्ड मैकाले थे उनके सुपरविजन में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया पैनल कोड के लिए, जो दंड संहिता थी उसके लिए, जिसमें कि कोडिफाइंग किया गया यूनिफॉर्म पैनल लॉ, समान दंड विधि को यूनिफॉर्म किया गया फॉर ऑल ब्रिटिश इंडिया, संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कोड वॉज प्रेजेंटेड
सबसे पहले ड्राफ्ट की अगर बात करें, जो कोड का था, संहिता के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, वो प्रेजेंट किया गया था गवर्नर जनरल काउंसिल को इन 1837 में, बट सब्सिक्वेंट रिवीजन एंड अमेंडमेंट टुक प्लेस। अब नॉर्मल सी बात है, अगर कोई एक्ट पहली बार लेकर के आया जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है, उसमें बहस होती है, जैसे आपको पता है, तो कुछ सब्सिक्वेंट रिवीजन और अमेंडमेंट की वजह से ये पास नहीं हो पाया और इसमें और ज्यादा समय लग गया। अगर कंप्लीट ड्राफ्टिंग कोड की हम बात करें तो वाज डन इन 1850, यानी कि जो पूरा ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया था 1850 में, ये रेडी था, जो कि प्रेजेंट किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल को कब, 1856 में। इट वाज डिलेड ड्यू टू द इंडियन रिवोल्ट। अब 1856 की अगर हम बात करें तो 1856 में क्या था कि जनरल काउंसिल इन 1856 में ये प्रेजेंट किया गया, अब रिवॉल्व हो गया यानी कि विद्रोह हो गया, 1857 की जो क्रांति थी वो हो गई, उसकी वजह से जो हमारा भारतीय दंड संहिता है ये उस समय पास नहीं हो पाई। द ड्राफ्ट अंडरवेंट अ वेरी केयरफुल रिवीजन एट द हैंड्स ऑफ बर्ने पिकॉक। जो बर्ने पिकॉक थे उनके केयरफुल रिवीजन में जो है ये ड्राफ्ट चला गया और ये जो कोड था ये पास हुआ ऑन 6 अक्टूबर 1860, और 1860 में जो था ये लॉ पास हो गया और ये एनफोर्स में आया, ऑपरेशन में आया 1 जनवरी 1862 को। अब अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो द कोड केम इन टू फोर्स इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है ये एक्ट इन्फोर्स में आया, लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 को, बाय वर्च्यू ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अगर हम बात करें इस एक्ट से पहले की, यानी कि जम्मू कश्मीर एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की, और 31 अक्टूबर से पहले जम्मू कश्मीर में आईपीसी लागू नहीं होता था, वहां पर क्या लागू होता था, रणवीर पैनल कोड, रणवीर दंड संहिता वहां पर लागू होती थी, जो कि अब रिप्लेस करके वहां पर भी क्या है आपका आईपीसी ही वहां पर अब लागू होता है, कब से, 31 अक्टूबर 2019 से। तो ये था आज इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता का इंट्रोडक्शन और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर पसंद वीडियो आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।